रास्ते में जो बात हो रही थी तो अब आपने पहचान लिया होगा, मैं पहुंच गया हूं फरहान भाई के पास। कुछ 5 साल के बाद ये मैंने पकड़ा इनको, मैंने काबू नहीं आते, अभी चलते हैं अंदर। एंटीक किस्म की ज़बरदस्त बाइक्स हैं, अभी इस पे आप सैर कराएंगे। ये तो सर जब से लवबर्ड आया तब से गल रहा है, खड़े खड़े गल गया। लेकिन यार ज़बरदस्त चीज़ है, छा गया आर्टिस्टिक आदमी है जी। ये हमारे एक और दोस्त, ये देखें ये भी पहुँच गए और डिग्गी में से कुछ डन फैलो निकालने लगे। आ जाए जी सर, क्या हाल चाल लिया। देखे नहीं अहमद भाई आ गए, ये जी शेड के अंदर हम आ गए और ये फरहान भाई की एक फ्लाइट है। जो भी बंदा आए वो इस फ्लाइट को इग्नोर ना करे, बिल्कुल दरवाजे के साथ इन्होंने लगाई और एक से बढ़कर एक बढ़ रहा है। बताएं मुझे कि दुनिया तो रेडा की तरफ जा रही है, आपने ये ओपलाइंस और इतने ज़बरदस्त ब्लू ओपलाइंस और फिशरीज इकट्ठे किए हुए हैं जी, इसकी क्या वजह? मुझे पसंद है बेसिकली, और बेसिक बर्ड रहेंगे तो अगर ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी में होंगे तो हम अगली म्यूटेशंस को फिर आगे इम्प्रूव करते हैं। तो डायरेक्ट बार कुछ रोके हैं अपने लिए। चले जी, जो सुना बड़े ज़बरदस्त थे ब्रॉन्ज फेलो और डन फेलो और पेल फेलो ओपलाइन भी सफा है जी, जी जी वो दिखाएं जरा, ये दिखाते हैं क्या। फरहान साहब के सारे पेयर जो है ना माशाल्लाह इस तरह बॉन्ड है ना, पता नहीं क्या करते हैं। क्या है जी ये बर्ड? ये जी ब्रॉन्ज फेलो ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन ब्रॉन्ज फेलो स्प्लिट ब्लू और पार्ट ब्लू वायलेट ऑफलाइन की फीमेल। ज़बरदस्त किस्म के बर्ड, ये आपको लग रहे होंगे आम ऑफलाइन, अभी बताते हैं क्या है। अच्छा जी, बड़ा ही खूबसूरत पार ब्लू ऑफलाइन हम जो कहते होते हैं। खैर ये तो नॉर्मल बर्ड नहीं मिलता, लेकिन ये बड़ा ख़ास बर्ड है और मेरा फेवरेट है। लेकिन ये छा गए हैं, ये बहुत आगे की वर्किंग में चले जाते हैं। ये जी ज़रा बताइएगा क्या है ये? ये जी फार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट येलो फेस एंड स्प्लिट पेल फेलो। एक्सेलेंट। ये जी मैं अभी ये वर्किंग कर रहा हूँ जो इनके पास आई है माशाल्लाह। अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना कम बर्ड्स हैं येलो फेस ओपलाइन में पाब्लू सीरीज में, तो ये आपकी ज़बरदस्त वर्किंग होगी और इट्स अ मैग्निफिसेंट बर्ड माशाल्लाह। डनफेलो जो नहीं जी पेल फेलो है, ये देखें जी वो लगा था डनफेलो है लेकिन ये पेल फेलो। एक्सीलेंट बर्ड माशाल्लाह। के डेकिनो क्रिमिनो अल्बाइनोस के कितने पेयर हैं आपके पास? 15 है लेकिन मोस्टली ब्लूटूथ की वर्किंग है। जबरदस्त ये जी हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी जो अल्बाइनोस क्रिमिनोस में इन्होंने ब्लूटूथ बनाए हैं, जो ओपलाइंस और एक्वा में भी लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो अल्बाइनो क्रिमिनोस पे को भी इम्प्रूव करें, उसके अंदर नई से नई वर्किंग जो है वो डेफिनेटली जैसे फरहान साहब कर रहे हैं वो ज़रूर करें। फर्स्ट बॉक्स इतना साफ इन्होंने रखा था, मुझे लगता है पैंपर बनाते हैं माशाल्लाह। देखिए जितनी ये सफाई और हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं ना उतना ज़्यादा बेहतर ग्रोथ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बर्ड जो है ना बहुत अच्छा ग्रो करता है, हल्दी का उसको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो हल्दी वो ग्रो जल्दी करेगी। ये जी अब हम चाय के लिए नीचे आ गए हैं और इन्होंने बहुत तकल्लुफ कर लिया। अच्छा जी पहले तो चाय का शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। समोसे और ये अहमद भाई डाइट पे थे बिल्कुल, तो हमने थोड़ा अच्छा कंट्रोल भी किया इस मौसम में, थैंक यू, बड़ा अच्छा रहा। अच्छा ये बताएं, और जो अभी सारी डिस्कशन हो रही थी कि जो खास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जी जो काम हो रहा है, अच्छा पहली बात तो ये कि मेरी बहुत सारे लोगों से वादा और कमिटमेंट थी मिलने की और मैं खामोशी से, एक्चुअली मैं अपने भांजे की शादी पे आया था इस्लामाबाद, तो इन दोनों भाइयों ने जाना मुझे समहाउ कन्विंस कर लिया कि घंटा दो बीच में से मैं जो है ना वो छुप के निकला आया हूँ और अभी मुझे वापस रिपोर्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे, अच्छा वो मैं बात जो कर रहा था जिस तरह जैदी साहब हैं, रियासत जैदी साहब, नवीद गोंदल साहब, मुजम्मिल भाई, फिर और बहुत सारे भाई हैं जिनके मैं नाम मुझे इस टाइम व्हाट्सएप के ज़हन में आ रहे हैं, के करल असद साहब, दान सलीम साहब, वजाहत नासिर हैं और भी जो भाई नाम मैं अक्सर इसलिए नहीं लेता कि मैं बहुत सारों को मिस कर रही हूँ, सारे भाई। आप जो मैंने यहाँ पे अब नोट किया कि सारे मिल के काम कर रहे हैं ना, और नया फैंसियर जिस तरह बता रहे हैं कि भिंडी इस्लामाबाद की, क्योंकि लोकेशन बड़ी ना स्ट्रेटेजिकली बड़ी लोकेशन ज़बरदस्त है कि आपको नॉर्थ भी लगता है, लोग पहले आपकी तरफ आ रहे होते हैं, तो किस तरह आप लोग गैदरिंग का प्लान कर रहे हैं, किस तरह ने जो बंदे आ रहे हैं उनकी वर्किंग क्या करनी है, कमर्शियल्स पे, म्यूटेशंस पे, बेसिक कीपिंग उसकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल ऐसे ही, उसके लिए हमने जो बैठ के हम 8-10 जो हमारे करीबी दोस्त हैं
उन्होंने हमने यही डिस्कस किया है कि हम लोगों को विजिट करेंगे स्पेशली न्यू फैंसियर्स को जिनको कीपिंग में, असल में बेसिकली जो न्यू फैंसियर होता है ना उसको कीपिंग में ज़्यादा इश्यूज आते हैं. बर्ड तो वो सब हाउ खरीद ही लेता है, बर्ड तो वंस आ गए तो उसकी कीपिंग जब आप जब तक आप विजिट नहीं करते हाउस कीपिंग जो उसकी है ना हाउसिंग जो है वो आप बैठ के फोन पे या कॉल्स पे नहीं गाइड कर सकते. तो हमने वो एक सिलसिला शुरू किया है विजिट करने. दूसरा एक और चीज़ करें, जैसे आप लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मार्केटिंग अच्छी की, आपकी लोगों के साथ एक अलाइन है, तो नए फैंसियर को जो मैंने देखा है मतलब वो एक इशू जो आता है ना वो रिलक्टेंट भी होता है, उसे पता नहीं होता कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्योंकि बर्ड बेचना भी है ना जी, तो उसमें भी वो लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर खास तौर पे वन टू वन इन सारे ग्रुप से सीखना चाह रहे हैं इन चीज़ों को, वो भी इनसे फरहान भाई से और बाकी सब लोग जो जो जिसके साथ अटैच है क्योंकि वी आर वन कम्युनिटी. यस, इस चीज़ पे जरूर वर्किंग आप करें. और अहमद साहब जिस तरह चकवाल में, अच्छा मजे की बात यह है कि असल फैंसियर ये नहीं है, असल फैंसियर अंकल है इनके वालिद साहब. तो चकवाल में जो अंकल जिस तरह कर रहे हैं, फिर इसी तरह मियाँ साहब हैं चकवाल में, उनकी एक आप लोगों का ग्रुप भी है चकवाल, चकवाल लवबर्ड और बल्कि उसमें भी मियां साहब बिलाल भाई और बाकी जो हैं उनके साथ में लोग, वो जो नए फैंसियर्स को जिस किस्म की हेल्प चाहिए होती है वो उनको गाइड भी करते हैं, तो वो सारा बड़ा बड़ी हेल्पफुल हमारे कुछ बाद में बड़ा अच्छा. आप लोग भी उधर अपना इसी तरह मिल बैठ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं भी पार्ट हूँ उनका. तो जी चकवाल में जितने भी लोग हैं और चकवाल के आसपास के, वो अहमद साहब से, मियां साहब से और बाकी जो भी उधर लोग, मैं तो फरहान भाई के साथ मैं तो दोनों जगह पे कर रहा हूँ. अब आप पे जिम्मेदारी आयद हो गई है तो इस पे जी जिस तरह नया माशाल्लाह फैंसियर आ रहे वो एसेट है, उसको इस चीज पे गाइड करना, ये सारी जो है ना ये सारे डिपार्टमेंट्स जी वो बड़े ज़रूरी हैं उस पर आप लोग जिस तरह लेके चल रहे हैं इसके मैंडे पर. और इंशाल्लाह जल्द ही जब मौका मिला और हम खास तौर पे फिर इस्लामाबाद में इसी पर्पज़ के लिए फिर सबसे मुलाकातें भी करेंगे इंशाल्लाह. और जी इनकी एवरी देखिए मज़ा आया, ज़बरदस्त बर्ड्स हैं. और अब जो है मुझे निकलना है ताकि मैं ये एक लास्ट आपसे 2025 की कोई आप जो समझते हैं कि जो कुछ पेयरिंग की पेयरिंग्स वो कुछ गाइड कर रहे हैं जी, ये तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा कि बैलेंस पोर्टफोलियो जो मैं हमेशा बात करता हूँ उसमें आपके पास इनो वर्किंग जो कमर्शियल्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, साइजेस में इम्प्रूवमेंट. जैसे फरूख खान साहब हमारे लाहौर के, मैं हमेशा बात उनकी इसलिए करता हूँ, इनोज में वो बंदा इतना शौकीन है कि उन्होंने अपने अल्बाइनोज क्रीमिनोज के साइजेस भी ज़बरदस्त किए, तो ऑटोमेटिकली वो अगर मेरा बर्ड है या उनका बर्ड है तो वो रेट में डेफिनेटली लोग उनको तो उसी एग्जिस्टिंग बर्ड में वैल्यूएशन कर रहे हैं वो. फिर उसमें ओपलाइंस ले जाएं इनोज में, उसमें ब्लूटूथ में चले जाएं, उसमें एक्वाज ऐड करें ठीक है, क्योंकि हमारी 70% जो लोग हैं वो इसके अंदर है. लेकिन मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ कि सारी वर्किंग इनोज की नहीं करनी, इनोज तो बैकबोन है और हमें इसको लेके भी चलना है, लेकिन कुछ म्यूटेशन जो है उस पर हर बंदा हर एक बेसिक बर्ड का चाहे एक जोड़ा लगाए वो जरूर लगाए बिल्कुल ठीक है. उसके बाद जो नई म्यूटेशन है फिर वर्किंग बहुत सारी है, उसके अंदर बहुत सारी म्यूटेशन जैसे येलो फेस आ गया है, उसके कम्बिनेशन एक्वा है, अभी तो लोग पेल फैमिली में नहीं आए जी. अभी असल जो लवबर्ड की वर्किंग है वो मैं लग रहा है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं 10 साल से सारी सिचुएशन जरिए कर देख रहा हूँ, ये होती है हर साल होता है, लेकिन असल वर्किंग तो अभी होनी है. असल जो कम्बिनेशन है और जो हमारी जो आवाम और यूथ और जिस तरह लोग आ रहे हैं तो ये बेसिक से ये सारा लोगों को बताना ज़रूरी है जो आप लोग करेंगे. तो ये काम जो आपने मेरे से पूछा ना ये मैंने आप लोगों में छोड़ दी, ये आप नहीं करना है जी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह फिर थैंक यू हॉस्पिटैलिटी का भी. इसमें एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा, एक जैसा वो भी फ्राम भी कह रहे हैं कि वर्किंग हर किस्म की करें, तो बेसिक बर्ड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि जैसे ग्रीन ग्रीन ऑफलाइन है, ब्लू बर्ड, पार ब्लू, फिशरीज हों या ऑफलाइंस में हों, वो भी अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स एवरी में होना बहुत ज़रूरी है. exactly. क्योंकि आपकी तकरीबन हर वर्किंग में आपको कहीं ना कहीं से जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है. exactly. और वो उनके कलर्स और साइज इम्प्रूव करने के लिए भी काम आते हैं. अब वो इसको मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगा, जैसा कि हमने पिछले दौरान सिंपल ग्रीन अप्लाई को प्रोड्यूस कराना छोड़ दिया था, मतलब बहुत से लोगों का फोकस हट गया था. बिल्कुल.
तो लेकिन अब देखें येलो फेस आया तो कैसे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। देखिए पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम इधर बैठ के ग्रीन ओपलाइन को प्रमोट कर रहे हैं कि उसका अब ढेर लगा। हाँ जी, ये नहीं कह रहे हैं हम। हाँ, हम कह रहे हैं कि चंद क्वालिटी बर्ड फॉर फ्यूचर वर्किंग पेयरिंग्स के। तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, और थैंक यू जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश होगी मैक्सिमम जो है वो लोगों से हम मुलाकात करें, गपशप करें, और आप लोगों के अपने शहर में सारे लोग इतना जबरदस्त काम करते हैं। जो आते हुए शरारत की है छुट्टी का चांस कोई नहीं, तो फिर कल जो है ना आप डिनर करें, बाकी कमेंट्स देख के और एक गेट टुगेदर अनाउंस करें अपनी इस सरप्राइज पे। थैंक यू।